2024 में पोस्ट ऑफिस में अपने इंटरेस्ट के ऊपर कहीं ज़्यादा बदलाव किए गया है। अगर हम फिक्स डिपॉजिट की बात करते हैं तो दोस्तों पहले जितना था उससे थोड़ा बहुत का चेंजिंग कर दिया गया है। और हाल ही में आपको ये बात तो पता ही होगा कि पोस्ट ऑफिस का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अलग अलग समय के लिए अलग अलग मिलता है। अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हो तो आज के समय पर भी पोस्ट ऑफिस सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट अपने कस्टमर को दे रहा है। हाल ही में 2024 के अप्रैल महीने में जो पोस्ट ऑफिस ने अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट का चार्ट रिलीज किया है, यह है वो लिस्ट जिसमें आपको हर तरह का स्कीम का रेट ऑफ इंटरेस्ट इस प्लान में मिल जाएगा। और काफ़ी स्कीमों में आप देख रहे हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बदलाव किया गया है और ज़्यादा हो भी गया है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे अगर आप पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपोजिट करते हो 50,000 रुपये, वो भी 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए और 5 साल के लिए, आपको कितना पैसा बनेगा। तो 1 साल के लिए अगर आप करते हो तो आपको 1 साल के लिए 6.90% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। 2 साल के लिए अगर आप FD करते हो तो आपको 7% का इंटरेस्ट मिलेगा। 3 साल के लिए करोगे तो 7.10% का। और 5 साल के लिए अगर आप FD करते हो पोस्ट ऑफिस में तो आपको 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो चलिए देखते हैं, अभी 50,000 रुपये अगर आप 1 साल के लिए FD करते हो आपको 53,540 रुपये मिलेगा। 2 साल के लिए FD करते हो तो आपको 57,150 रुपये मिलेगा। और 3 साल के लिए अगर आप FD करते हो तो आपको 60,000 रुपये मिल सकता है। अगर आप 5 साल के लिए FD करते हो तो आपको 69,283 रुपये 100% गारंटेड मिल जाएगा। अगर दोस्तों आप इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो उम्मीद है एक सब्सक्राइब जरूर किए होंगे और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों अगर आप 1,00,000 रुपये FD करते हो 1 साल के लिए तो आपको मिलेगा 1,07,080 रुपया। अगर आप वही 1,00,000 रुपये अगले 2 साल के लिए FD करते हो तो आपको मिलेगा 1,14,371 रुपया। अगर आप 3 साल के लिए FD करते हो तो आपको मिलेगा 1,21,873 रुपये। अगर आप 5 साल के लिए FD करते हो 1,00,000 रुपये को तो आपको मिलेगा 1,38,567 रुपया। दोस्तों ये जो अमाउंट है 100% गारंटेड है। मेच्योर्ड होने के बाद पूरा पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है, इसमें कोई कटौती भी नहीं होता, कोई चार्ज भी नहीं होता है। दोस्तों ये सब प्लान जो है वो गारंटेड होता है और गवर्नमेंट द्वारा इसको सिक्योर्ड किया जाता है, तो आपके पैसे के ऊपर बिल्कुल रिस्क नहीं है। तो दोस्तों अगर आप नेक्स्ट 5,00,000 रुपये FD करते हो तो 1 साल में आपका बनता है 5,35,403 रुपया। और 2 साल के लिए अगर आप FD करते हो तो आपका 2,05,00,000 रुपये बनता है 5,71,858 रुपया। अगर आप 3 साल के लिए FD करते हो तो आपका बनेगा 6,09,369 रुपया। वही अगर आप 5,00,000 रुपये अगले 5 साल के लिए FD करते हो पोस्ट ऑफिस में, आपका बनता है 6,92,839 रुपये। लगभग आपको 2,00,000 रुपये का मुनाफा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है हर साल महंगाई जैसे बढ़ रहा है तो आपका पैसा अगर बैंक के सेविंग्स अकाउंट में पड़ा है तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि 3 से 4% इंटरेस्ट आपको मिलता है। इससे अच्छा आप पोस्ट ऑफिस का सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश कर सकते हो जहां पर आपको 8.20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और महंगाई को भी आपका यह पैसा बीट कर पाता है। दूसरा जो ऑप्शन है वो है सुकन्या समृद्धि योजना, भारत का सबसे बेहतरीन सेविंग्स प्लान जो खास करके बेटियों के लिए बनाया गया है। इसमें आप अगर निवेश करते हो दोस्तों तो आपको टैक्स में भी छूट मिल जाता है, यह दोस्तों आपको पता होगा। चलिए देखते हैं, अगर आप अगले 1 साल के लिए 9,00,000 रुपये FD करते हो तो आपको मेजोरिटी में मिलेगा 9,63,725 रुपये। 2 साल में मिलेगा 10,29,364 रुपया। 3 साल में मिलेगा 10,96,000। और 5 साल में मिलेगा आपको 12,47,111 रुपये। ये जो पैसा है दोस्तों ये बिल्कुल 100% पैसा आपको मिल जाएगा। देखिए पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, सबसे आसानी से आप पैसा जमा कर सकते हो। भारत सरकार द्वारा गारंटेड सेविंग्स प्लान है। कोई भी भारतीय नागरिक पोस्ट ऑफिस का जितने भी स्कीम है लगभग सभी का फायदा ले सकते हैं और अपना पैसे को बेहतरीन तरीके से ग्रोथ करा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना एक ऐसा भारत सरकार का प्लान है जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो या जमा करते हो तो आप अपने बच्चों का पढ़ाई का टेंशन या फिर शादी का टेंशन आप भूल ही जाओगे, क्योंकि इसमें 50,00,000 रुपये से ऊपर आप बना सकते हो। तो दोस्तों अगर ये सब जानकारी आपको अच्छा लगता है तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, अच्छे रहिए।